एलएन पी रिन्यूएबल सिस्टम अपडेटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे। आज हम लोग वीएवी 10 मिल ब्लॉक्स कंट्रोलर्स मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स ओबी सीमेंस में यूज करने वाला एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर 6624 दैट इज फैन रीहीट ऑपरेशन का बारे में आज देखेगा। आज आप एक बीएमएस टेक्नीशियन और बी बैक्स टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करने के लिए जा रहे हो तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्यों ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर के बारे में आप समझना पड़ेगा बोल के मैं बताएगा। अगर मान लो आप इसमें हम लोग हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एचवैक में वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स है फैन कॉइल यूनिट्स है दोनों का ओके हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स पीएलसी यूज करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग डीडीसी कंट्रोलर्स डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर्स यूज करके भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट कॉस्ट के हिसाब से आप देखिएगा तो पीएलसी थोड़ा ज़्यादा है उससे थोड़ा कम है डीडीसी कंट्रोलर्स है। बट ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर क्या है ये अगर कॉस्ट में आप कंपेयर करेगा तो पीएलसी से डीडीसी में डीडीसी से एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स ये टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर का कॉस्ट थोड़ा कम है। एंड इसका क्वालिटी वाइज देखेगा तो वो थोड़ा अच्छा है क्योंकि हम लोग हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अगर हीटिंग करने का तो उसके लिए एक सेपरेट कंट्रोलर है सिर्फ कूलिंग करने का तो उसके लिए एक कंट्रोलर है हीटिंग एंड कूलिंग दोनों परफॉर्म करने के तो उसके लिए एक अलग कंट्रोलर है। एंड इसके अलावा हीटिंग एंड कूलिंग के साथ हमको फैन को भी कंट्रोल करने का तो उसके लिए भी एक अलग एप्लीकेशन है। आज हम लोग फैन अलॉन्ग विद रीहीट ऑपरेशन आज देखेगा ठीक है। ये एप्लीकेशन सिमिलर टू 2024 एप्लीकेशन है 2024 का एडवांस वर्जन है ये 6624 है। चलिए आज टॉपिक अंदर घुसेगा क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वीएवी मतलब क्या है ओके ये देखने के लिए कैसे दिखाई आएगा अगर ये टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर को हमको कैसे काम करेगा इसको कैसे वायरिंग करने का इसको कैसे इंस्टॉल करने का अगर आप एक बीएमएस टेक्नीशियन और इंजीनियर है और बैक्स टेक्नीशियन और इंजीनियर है आप काम करने के लिए जा रहे हो तो वो बेसिक चीज़ क्या क्या चीज़ इसके बारे में आप समझना पड़ेगा बोल के आज हम लोग देखेगा। ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट का काम है हमारा कंसर्न एनवायरनमेंट का ओके और कंसर्न रूम का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा सेट पॉइंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा वो भी थ्रू बाय मॉड्यूलेटिंग द एयर फ्लो ओके। इसका एडवांटेज क्या है ये यूज करके हम लोग टेम्परेचर को बराबर प्रिसाइज में कंट्रोल कर सकते हैं ओके कंप्रेसर का वियर एंड टियर का कम कर सकते हैं ओके एंड एनर्जी कंसप्शन का कम कर सकते हैं फैंस का हवा से आने वाला नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इससे अलावा हम लोग पैसिव डीह्यूमिडिफिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है। सो किधर किधर हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम है किधर हीटिंग एप्लीकेशन है कूलिंग ऑपरेशन भी चाहिए तो वो सब चीज वीएवी एंड एफसीयूज का ये कंट्रोलर यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सी किधर किधर बिल्डिंग ऑटोमेशन एस्टैब्लिश्ड है ओके किधर किधर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश है दैट इज मेट्रो स्टेशंस मॉल्स एयरपोर्ट्स ओके एंड स्टोरेज रूम्स ये सब जगह में ये हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आप देख सकते हैं। सो ये हमारा वी ए वी का एक एग्जाम्पल है। रीहीट ऑपरेशन हम लोग गर्म पानी यूज करके भी कर सकते हैं अगर नहीं तो भी थायरिस्टर कंट्रोल पैनल यूज करके भी आप कर सकते हैं ठीक है। ये थायरिस्टर कंट्रोल पैनल में आप देखिए स्विचिंग से हम लोग एज अ इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑपरेशन को एज अ फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज है ना हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग स्प्लिट करके भी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है। अगर ये सब जगह में हमको एयर फ्लो एकदम इंपॉर्टेंट है वो एयर फ्लो वी ए वी में आने वाला एयर फ्लो को मेजर करने के लिए एयर फ्लो सेंसर से है ओके ये हमारा वीएवी का सप्लायर आने वाला जगह में इंस्टॉल्ड है। ये वीएवी कंट्रोलर देखने के लिए ये इसका टिपिकल फोटो है ठीक है। ये पोर्ट में हम लोग रूम टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट हो जाएगा वो रूम टेम्परेचर सेंसर देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा। अगर इसका कनेक्शन के बारे में देखेगा तो ये तो पावर वायर है 24 वोल्ट एसी कनेक्शन के लिए ये तो कम्युनिकेशन टर्मिनल्स है हमारा बैकनेट से आने वाला फर्स्ट कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए एंड इसके साथ आने वाला पूरा स्लेव कंट्रोलर्स का कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन टर्मिनल्स है एंड हमारा डिजिटल आउटपुट कमांड्स के लिए डीवो टर्मिनल्स है एंड हमारा फीडबैक्स फील्ड से मिलने वाला एनालॉग इनपुट वॉयस को कनेक्ट करने के लिए ये टर्मिनल्स है। एंड इसके अलावा कुछ कमांड मॉड्यूलेटिंग कमांड देने के लिए वो भी 4 to 20 mA हो सकता है 0 to 10 volt हो सकता है उसी जगह में देने के लिए हम लोग एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स भी है एंड कुछ ड्राई कॉन्टैक्ट ऑब्जर्व करने के लिए डीआई चैनल्स भी है इसमें ठीक है। ये इसका टिपिकल बेसिक डायग्राम है ये सबको माउंट करने के लिए माउंटिंग होल्स दे चुका हूँ इसमें एंड माउंटिंग रेल्स भी है ठीक है। अगर पावर वायरिंग के बारे में इनडेप्थ में आप देखेगा तो हेच में आप फेस में फेस को कनेक्ट करने का एंड कोल्ड में आप न्यूट्रल को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड कम्युनिकेशन वायरिंग के बारे में आप देखेगा तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बराबर आप कनेक्ट करके लूप करना पड़ेगा ठीक है।
एलईडी के बारे में आप देखेंगे तो अगर कोई भी डिजिटल आउटपुट का एलईडी ग्लो है तो वो डिजिटल कंसर्न आउटपुट एनर्जाइज्ड है, उससे हम लोग समझ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट करवा रहे हैं कंट्रोलर से फील्ड पैनल को तो वो कंसर्न एलईडी फ्लैश हो जाएगी, उससे हम लोग समझ सकते हैं वो ट्रांसमिशन हो रहे हैं, टीएक्स हो रहे हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन आप रिसीव करवा रहे हैं फील्ड पैनल से हमारा कंट्रोल पैनल के तो वो आरएक्स का एलईडी ग्लो हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, इससे आप समझ सकते हैं। एंड बेसिक सैनिटी टेस्ट है, मतलब अगर ये कंट्रोलर बराबर फंक्शन कर रहा है, बंदा जिंदा है नहीं है, वो कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये कंसर्न एलईडी है ना उसका फ्लैशिंग ऑन ऑफ हो जाएगा, उससे हम लोग समझ सकते हैं। लाइक हार्ट बीट पल्स हर एक सेकंड के लिए वो ऑन ऑफ हो जाएगा, उससे हम लोग समझ सकते हैं वो कंट्रोलर जिंदा है, बराबर काम कर रहा है। अगर ये एलईडी इंडिकेशन में कुछ बंद हो रहे तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कुछ तो दिक्कत है बोल के। ये इसका डायमेंशन है, ओके। अगर आप इसके लिए एक पैनल बना रहे तो डायमेंशन हम लोग इंच में दे चुका हूँ, ये यूज करके आप बना सकते हैं। एंड इसका फिजिकल कनेक्शन है, ओके। अगर आप कोई वी ए बी को फुल्ली ऑक्यूपेड मोड में यूज कर रहे थे उसी जगह में आप ऑटो जीरो मॉड्यूल को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोला 2024 एप्लीकेशन का एडवांस वर्जन ये 6624 है, सो 2024 में क्या क्या चीज़ किया वो सब चीज़ हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। अगर मान लो इसके लिए पावर वायरिंग के लिए कलेक्टर मिल है FLN, दैट इज फ्लो लेवल नेटवर्क, कम्युनिकेशन के लिए टर्मिनल्स है, डैम्पर्स को कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है, एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स को स्टेज 1, 2 और 3 में कनेक्ट करने के लिए डिजिटल आउटपुट कमांडिंग टर्मिनल्स है, एंड फैन कॉन्डक्टर को कमांड करने के लिए एक टर्मिनल्स है। एंड इसके अलावा कुछ ड्राइव कॉन्डक्टर को आप मॉनिटर कर रहे थे उसके लिए भी डिजिटल इनपुट टर्मिनल्स है, एंड रूम टेम्परेचर सेंसर्स के लिए भी टेम्परेचर सेंसर्स है, ठीक है। अगर 66 एप्लीकेशन के बारे में भी देखेंगे तो सप्लाई में आने वाले एयर फ्लो को मेजर करने के लिए एयर वेलोसिटी सेंसर्स है, वो ट्यूब्स को आप ए ट्यूबिंग कनेक्शन में कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप सप्लाई एयर को मॉड्यूलेट करने के लिए सप्लायर डैम्पर्स है, वो डैम्पर्स को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलेटिंग डैम्पर एक्चुएटर्स इसमें है। एंड इसके अलावा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हीटिंग ऑपरेशन का कमांड करने के लिए D0345 हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे फैन कॉन्डक्टर्स को कमांड करने के लिए D06 को हम लोग यूज करवा रहे हैं। हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर को RTS पोर्ट में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसका वायरिंग कनेक्शन है, ठीक है। सो ए वी ए बी विद सीरीज फैन एंड इलेक्ट्रिक हीट ऑपरेशन है, ठीक है। वायरिंग के बारे में देखेगा तो आने वाला हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम लोग ऐसे 24 वोल्ट एसी दे रहे हैं। हमारा बैकनेट से कम्युनिकेशन वायर फर्स्ट आएगा, अगर ये फर्स्ट कंट्रोलर है तो इसको मास्टर बताएगा, बाकी इसमें लूप वाला वी ए वी कंट्रोलर्स को हम लोग स्लेव्स बताएगा। सो लूपिंग इसे ही हम लोग करेगा, उसका अलग अलग स्लेव ही हम लोग इसमें असाइन करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स को हम लोग D01 में कनेक्ट करेगा, फैन को हम लोग कमांड करने के लिए D06 में कनेक्ट करेगा, हमारा हीटर स्टेज 1 स्टेज 2 परफॉर्म करने के लिए D03 एंड D04 टर्मिनल्स में कनेक्ट हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर सेंसर को RTS में कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑटो जीरो मॉड्यूल देखने के लिए ऐसे दिखे, इसका एप्लीकेशन का बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑक्यूपेड मोड में आप ऑपरेट करने के लिए प्लान कर रहे तो उसी जगह में ये ऑटो जीरो मॉड्यूल को आप यूज कर सकते हैं। और ग्राफिक के बारे में देखें तो कोई भी वैरायटी में आप बना सकते हैं, बट बेसिकली ये सब चीज उसके अंदर होना पड़ेगा। मतलब क्या क्या है, रिटर्न लाइन में हम लोग वाल्व एक्चुएटर को कंट्रोल करवा रहे हैं ना, उसका कंट्रोल एंड फीडबैक को हमको बराबर देखना पड़ेगा, फैन को कमांड कर रहे तो उसको भी बराबर देखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा वो ऑक्यूपेड मोड में अनऑक्यूपेड मोड में अगर उसमें हम लोग टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे तो वो टेम्परेचर क्या है बोल के हमको दिखना पड़ेगा। इसके अलावा ऑक्यूपेड मोड में सेट पॉइंट क्या है, अनऑक्यूपेड मोड में सेट पॉइंट क्या है, वो भी कूलिंग एंड हीटिंग दोनों का हमको दिखाना पड़ेगा बराबर, ठीक है। अगर वीएवी के बारे में देखेगा तो कभी भी आप ये सब चीज बनाने के पहले हमको एयर बैलेंसिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। सो एयर बैलेंस से हम लोग समझ सकते हैं मिनिमम एयर फ्लो लीटर्स पर सेकंड कितना है, वो मिनिमम एयर फ्लो हम लोग पकड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम वोल्टेज वो इलेक्ट्रिकल डैम्पर एक्चुएटर को ओके मिनिमम पोजीशन में रखने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए बोल के हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैक्सिमम एयर फ्लो इन लीटर्स पर सेकेंड ओके हम लोग कनेक्ट करने के बाद उससे हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज ओके इलेक्ट्रिकल डैम्पर एक्चुएटर का खोलने के लिए कितना चाहिए बोल के हमके इससे समझ सकते हैं। एंड ऑक्यूपाइड मोड को हमको दिखाना पड़ेगा, इसके अलावा ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड मोड का सेट पॉइंट ओके वो भी हीटिंग एंड कूलिंग का हमको बराबर इसमें दिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्चुअल टेम्परेचर का भी दिखना पड़ेगा, इसके अलावा डैम्पर्स का मिनिमम पोजीशन एंड मैक्सिमम पोजीशन लेना वो वोल्टेज से हम लोग स्केलिंग करके 0 to 100% में दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा हीटर्स का कमांड करने के लिए हम लोग वो कमांड सिग्नल्स को भी हमको दिखना पड़ेगा, ठीक है।
ये इसका फिजिकल व्यू है, मतलब साइट में कैसे हम लोग एसी लिंक में इसका ये वीएवी से नेप्सी उसको इंस्टॉल करेगा बोल के एक फोटो है। अगर पीपीसीएल यूज करके आप प्रोग्राम कर पीपीसीएल प्रोग्रामिंग आप करवा रहे तो सिर्फ एयर फ्लो सीक्वेंस के लिए अलग हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं। अगर हीट लूपआउट जीरो है तो फ्लो भी जीरो है, 25% है तो फ्लो 50% है, और वो लेस देन और इक्वल टू 50% तो 100% फ्लो आप दिखा सकते हैं। अगर 75% है तो ना हर 10 मिनट के लिए एक साइकिल बना सकते हैं, मतलब वो 5 मिनट चालू हो जाएगा 5 मिनट बंद हो जाएगा, 100% में तो वो फुल टाइम उसको चालू कर सकते हैं। ठीक है, एयर फ्लो एंड हीट सीक्वेंस दोनों का साथ आप देखेगा तो इसका लूप आउट के बारे में आप देखेगा तो 0% में उसको बंद भी कर सकता है, 50% में समटाइम्स 10 मिनट्स पीरियडिक साइकिल अपग्रेड करके वो इलेक्ट्रिक हीट को चालू एंड बंद दोनों कर सकता है। ठीक है, एंड एयर फ्लो सीक्वेंस का फर्स्ट का हमको करना पड़ेगा, उसके बाद तो उसको ओवरलैप करके हीटिंग परफॉर्म करें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी सीक्वेंस है ना हमारे रिक्वायरमेंट के साथ आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड ये एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो एयर फ्लो को हमको फिक्स करेगा एंड हीटिंग मॉड्यूल्स को सिर्फ हीटिंग को हम लोग मॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, ये हम लोग ये करने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्या है, उसका फ्लो चाहिए, वो भी सीएफओ में चाहिए, मिनिमम फ्लो कितना है मैक्सिमम फ्लो कितना है बोल के हमको चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके ये प्रोग्राम दिखा के आप सेम मेथड में आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन 6624 का डेटाबेस पॉइंट्स के बारे में आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रोग्राम करने का टाइम हमको ऑब्जेक्ट नेम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंट पॉइंट नंबर का जरूरत पड़ेगा, ओके, इवन ऑब्जेक्ट नेम का कुछ जगह में जरूरत पड़ेगा, एंड रेंज हमको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत सारा रीडिंग्स मिल रहे हैं उसका रेंज कितना है बोल के आप ये डेटा पॉइंट देखिए तो आप समझ सकते हैं, उससे आप स्केलिंग करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर वीएवी अलार्म्स के बारे में आप देखेगा तो हाई टेम्परेचर अलार्म एकदम इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म एकदम इंपॉर्टेंट है, एंड बैकनेट रूटर कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म एंड टेम्परेचर डिविजन अलॉन्ग विद 60 सेकंड्स टाइम डिले आपको दिखाना पड़ेगा। अगर एफसीयूज में आप देखेंगे तो आप अलार्म एज वेल एज इवेंट्स इसमें दिखा सकते हैं, मतलब फैन फेलियर का आप देख सकते हैं, हाई टेम्परेचर कट ऑफ अलार्म, कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म, बैकनेट रूटर कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म, टेम्परेचर डिविएशन अलार्म अलॉन्ग विद 60 सेकंड्स टाइम डिले। अगर एफसीयू फैंस के बारे में उसका एनेबल एंड डिसेबल स्टेटस को आप दिखा सकते हैं, एंड इसके अलावा हीटर का स्टार्टिंग इवेंट एंड स्टॉपिंग इवेंट भी आप इसमें दिखा सकते हैं। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। आप इससे ज़्यादा सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप गल्फ में काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो भी कतर ओमान यूएई सऊदी में काम करने के लिए आप प्लान कर रहे हो, वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का बारे में समझना पड़ेगा, उसमें ट्रेनिंग चाहिए, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में आपको काम करना पड़ेगा उसमें आप ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमिश्निंग सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं, एंड पीएलसी का बेसिक्स के बारे में आपको चाहिए तो भी उसमें भी हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद ट्रेनिंग किट। ओके, ट्रेनिंग किट से हम लोग आपको ट्रेनिंग दिएगा। ओके, एंड इसके अलावा क्या क्या टेक अवे से तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक्स के बारे में आप चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमिशनिंग सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।